कयामत हो गई, पता नहीं इतना बढ़िया मौसम में कहाँ कितना सोए होगी। लेकिन हमें क्या, हमें तो अपना वीडियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है आप सबके लिए, क्योंकि आपको पता ही है अभी लॉकडाउन है, चल रहा है, फिर भी क्या करना, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये पीछे दिख रहा होगा, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा। लेकिन उन सबके लिए मैं बना रहा हूँ जो देखे नहीं है, उन सबके लिए, जो मेरे दोस्त काफ़ी सारे बाहर में रहते हैं, उन सबके लिए मैं बना रहा हूँ। तो स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम आपको पता ही है ऑलरेडी। चलिए मैं आपको थोड़ा सामने से दिखाता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इस साइड से यहाँ पानी है, मतलब निकलता है यहाँ से दरवाज़ा वगैरह है, और उस साइड से क्या कि पानी भरा हुआ उधर में थोड़ा डैम है, और ये हमारे पूर्वी सिंहभूम का है जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, इसलिए यहाँ पे पिकनिक वगैरह होते हैं, इस साइड भी होते हैं, उस साइड भी होते हैं, और यहाँ पर एल्बम वगैरह भी शूट होते हैं, वही चीज़ें। और बात बाकी आपको मैं उस साइड दिखा देता हूँ, तो चलिए मैं आपको उस साइड भी दिखा देता हूँ, चलिए उस साइड कितना ब्यूटीफुल उधर से दिखता है। How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. तो अभी आपको दिख रहा होगा ये हम लोग आ चुके हैं डैम के ऊपर में ही, और ये रोड जो किया हुआ है डायरेक्ट NH 33 से जुड़ा हुआ है, और साथ में आपको पीछे दिख रहा होगा ये आपका पूरा पानी का लेवल काफ़ी बढ़िया है, ये गालरी डैम है। और साथ ही मैं आपको इस साइड से आपको दोनों व्यू भी दिखता है, मैं आपको दोनों व्यू साइड से भी दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा इस साइड, देख लीजिए, देख रहे होंगे इस साइड से जो है यहाँ से पानी यहाँ से निकलता है, मैंने जो आपको पहले दिखाया वही वाला है। और काफ़ी सारे मछुआरे इस साइड भी मछली पकड़ते हैं, साथ ही में उस साइड से भी मछली पकड़ते, जाल भी अड़ाए हुए हैं। ये पोल जो आप देख रहे हैं, ये डैम जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से गालुडी पोल के नाम से भी जाना जाता है, गालुडी डैम के नाम से भी। और साथ ही में नियर बाय यहाँ पे एक गांव है जो दिगड़ी गांव है, इसे दिगड़ी डैम से भी जाना जाता है। पानी आपको लेवल दिख रहा होगा काफ़ी सही है, और यहाँ पे पानी को रोकने के लिए वहाँ पे है, इसी वजह से रोका गया, बैरेज है जैसे रोका गया हुआ है। और साथ ही में अभी हम लोग को वहाँ जाने वाले, वहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जी हाँ, अभी हम लोग को वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ से मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ इस साइड का, फुटेज कैसे रहेगा, व्यू कैसे रहेगा। और साथ ही में आपको मौसम दिख रहा है, मौसम ख़राब भी हो रहा है, अभी हल्का हल्का पानी भी गिर रहा है, देख रहे होंगे। तो अपना भाई राहुल भी इस साइड पे है, देख रहे होंगे मेरा दोस्त, हम दोनों साथ ही में, हम दोनों अकेले आए हुए हैं, दो ही जन आए हुए हैं फिलहाल। तो मौसम ख़राब हो रहा है, अभी हम लोग को चलना चाहिए, मैं आपको उस साइड से व्यू भी दिखाता हूँ, तो ठीक है चलिए। A few moments later. तो हम लोग को नीचे आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी काफी जोर से गिर रहा है, छाता पकड़े हुए, फिर भी हम लोग गीला हल्का हल्का, और एक पेड़ है यहाँ पे, वहीं पे रुके हुए हैं, और काफी जोर से भी हवा दे रहा है, देख रहे हैं ये पेड़ जो किस तरह से उड़ रहा है, देख रहे होंगे अभी पूरा तूफान आ चुका है, और हम लोग ने यहाँ पर रुके हुए हैं छाता में, देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। पर हम लोग पूरा गीला हो गए हैं, अपना फ़ोन भी बैग भी पूरा गीला हो चुका है, तो अभी हम लोग निकलने वाला है कुछ देर में, यहाँ निकलना ही पड़ेगा, जैसे पानी स्लो होता है उसे निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, यहाँ जोर से पानी किया हुआ है, पूरा जोर से हवा किया हुआ है। अरे स्टैंड स्टैंड देख रहे हो किस तरह से गीला हो चुका है, पूरा पानी पानी बारिश हो रहा है, आपको दिख रहा होगा साथ में दोनों ही देख रहे होंगे पीछे साइड में किस तरह से पूरा मौसम ख़राब किया हुआ है। हाँ तो फिर भी क्या, हम लोग आज नहाना हो भी गया है, तो हम लोग ऐसे ही अभी निकलेंगे अभी बाइक पे अपना, तो ठीक है चलिए, हम उधर वीडियो शूट करते हैं, मेरा पानी फ़ोन का भी गीला हो रहा है,